मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे सिक्स क्लास की टेक्स्ट बुक का पहला लेसन जो है Who did Patrick's homework? अनुवाद बताया था मैंने, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। ठीक है, तो इसके कुछ कठिन शब्द मैंने पिछले दो लेसन्स में, दो लेक्चर्स में बताए। कुछ शब्द जो है आपके सामने है भी, तो इनका हम अध्ययन करेंगे, स्पेलिंग और मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इनको पीछे वाले जो आपने याद कर लिए होंगे और इनको जो है वो आपको याद करोगे, तो उससे पहले एक बार इनका स्पेलिंग समझ लो और उनके मीनिंग को जान लो। अपने एक एक करके जो है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके सामने डिस्क्लोथ, डिस्क्लोथ वाली स्पेलिंग मैंने लिखवाई थी, कुछ बच्चों की शिकायत है कि मैंने जो है वो डिस्क्लोथ का, वो कह रहे हैं कि कपड़े धोने का कपड़ा किया है। अगर मैंने ऐसा किया है तो आप उसकी जगह पर आज जो है वो उस स्पेलिंग का जो मीनिंग लिखा है आपने, मीनिंग लिखने, मीनिंग की जगह जो कपड़े धोने का कपड़ा लिखा है ना, तो बर्तन धोने का कपड़ा, बर्तन कर देना, डिस यानी बर्तन होता है, तस्तरिया, बर्तन, बर्तन धोने का कपड़ा धोता है, उसको डिस्क्लोथ कहा जाता है। डी आई एस एच सी एल ओ टी एच, डिस्क्लोथ। ठीक है, उसके बाद दूसरी शब्द, दूसरा शब्द जो है वो हमारे सामने है बी साइड, बी ई एस आई डी ई, बी साइड। बी साइड का मतलब होता है बगल में, जैसे कोई बैठा है पढ़ रहा है और उसके पास में कोई आकर के बैठता है तो उसको बगल में कहा जाता है। बी साइड के देखो दो स्पेलिंग्स आपके सामने आई होगी, देखी होगी आपने, नहीं देखी होगी मैं बताता हूँ। देखो ये शब्द होता है, एक तो है ये बी ई एस आई टी, ठीक है, एक ये शब्द है, और एक और शब्द ये है बी साइड्स, वो होता है बी साइड्स। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इनके मीनिंग में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी देखो इसमें एस लगा है, दोनों का अर्थ अलग है। कैसे, इसका बी साइड का मतलब होता है बगल में, इसका मतलब होता है बगल में, और इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। तो कहीं भी ये शब्द आए तो आप उनको समझ जाना, अर्थ उनके अलग अलग होते हैं, तो उनको उनकी स्पेलिंग देख करके जो है वो डिसाइड्स है तो के अलावा होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तीसरा शब्द आपके सामने है सिंपली, एस आई एम पी एल Y, सिंपल से सिंपली, सिंपल का मतलब साधारण और सरल या साधारण, सिंपल और सिंपल से सिंपली, साधारण, साधारण तरीके से। फिर लिखा है गाइड, जी यू आई डी ई, गाइड का मतलब होता है निर्देश देना, निर्देशित करना, पथ प्रदर्शन करना, रास्ता दिखाना, ये जो है इसका गाइड का अर्थ होता है जी यू आई डी। ठीक है, अब तो आपके सामने शब्द है ह्यूमन, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो आप, कई बार मिला होगा आपको, प्रत्येक पाठ में मेरे हिसाब से जो है वो ये शब्द जो है वो मिला होगा आपको। एच यू एम एन, ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है मानव या इंसान। ठीक है, फिर आपके सामने शब्द है हिस्ट्री, एच आई एस टी ओ आर वाई, हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और इतिहास वो चीज होती है जिसमें प्राचीन समय की बातों का, घटनाओं का विवरण होता है, किसी पुरानी बातों का जो विवरण होता है उसको इतिहास कहा जाता है। मिस्ट्री, एम आई एस टी ई आर वाई, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, गुप्त बात, कोई बात गुप्त होती है, सामने नहीं होती है, छुपी हुई होती है, ऐसे बात को
तथ्य को जो है वो मिस्ट्री इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में उसको कहते हैं रहस्य। फिर शब्द आपके सामने लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी जाना पहचाना शब्द है, इसको कहते हैं पुस्तकालय। लाइब्रेरी जहां पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संग्रह मिलता है उस कक्ष को लाइब्रेरी कहा जाता है, पुस्तकालय पुस्तकों का घर। फिर आपके सामने शब्द है मैटर, MATER। मैटर का मतलब होता है मामला या बात, ठीक है। फिर शब्द है FACT, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, वास्तविकता, ठीक है, वो फैक्ट कहलाता है। फिर शब्द आपके सामने है साउटर, SHOUTER, साउट से बना है साउटर, साउट यानी जोर से चिल्लाना, चिल्लाना साउट, इससे साउटर ईआर लगा पीछे तो हो गया, ये संज्ञा बन गया, वर्ब से संज्ञा बन गया और हो गया चिल्लाने वाला, चिल्लाकर बोलने वाला साउट। लाउडर, LOUDER, लाउड से बना है लाउडर, लाउड का मतलब होता है ऊंची आवाज में, और लाउडर ऊंची आवाज में बोलने वाला, ठीक है। फिर एनर्जी, नेग, नेग का मतलब होता है सताना, तंग करना, दुखी करना, परेशान करना, उसको कहेंगे नेग, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक शब्द है ड्रेग, DRAG, ड्रेग, ड्रेग का मतलब होता है वैसे घसीटना, खींचना, खींच करके ले जाना, घसीट करके ले जाना, लेकिन आपके यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसका मतलब है किसी बात को, किसी कार्य को लगातार जारी रख करके, नियमित रूप से उसको कार्य को करके आगे ले जाना। कोई कार्य जैसे कर रहा है उस कार्य को नियमित रूप से लगातार अनवरत बिना रुके उस कार्य को आगे लेके जाना, वो यहाँ पर है ड्रेग, ठीक है। उसके बाद आपके सामने शब्द आया है स्टेइंग, स्टे से बना, STAY वर्ब है स्टे, स्टे का मतलब रुकना, और स्टेइंग रुके हुए या रुके रहना, कंटिन्यूस हो गया, आगे नहीं लग गया इसमें, STAY IN। फिर आपके सामने शब्द आया है WEARY, weary का मतलब होता है थका हुआ। फिर एक शब्द है आपके सामने PUFFED, पफ्ड, पफ्ड का मतलब है फूला हुआ, पफ्ड का मतलब है फूला हुआ, ठीक है, या फूली हुई। फिर है ब्लियरली, BLEARLY, ब्लियरली यानी धुंधली। फिर है फाइनली, FINALLY, फाइनली आखिर, अंतत। अराइव, ARRIVED, अराइव का मतलब आया। और फिर है क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली यानी चुपके से। ये अराइव जो है वो बना है अराइव से बना है, फर्स्ट फॉर्म अराइव होती है, ARRIVED, अराइव का मतलब आना, और अराइव सेकंड फॉर्म हो गया इसका, पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म अराइव बन गया, आया, ठीक है। फिर आपके सामने है क्वाइटली, चुपके से, QUIETLY, क्वाइटली चुपके से। फिर आपके सामने शब्द है स्लाइली, SLYLY, स्लाइली का मतलब होता है चालाकी से, द्रुतता से।
फिर है स्लीप्ड, स्लीप एस एल आई पी स्लीप का मतलब, स्लीप का मतलब जो है फिसलना होता है, स्लीप यानी फिसलना, लेकिन यहां पर फिसलना नहीं है, यहां पर जो है वो निकलना, कहीं से चुपके से बाहर निकल जाना, वो है स्लीप। स्लीप से ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, स्लीप बना है एस एल आई डबल पी ई डी, वर्ब का सेकंड फॉर्म बन गया है। फिर नाउन है क्लासमेट्स, दो शब्दों से बना है सी एल ए डबल एस, क्लास, क्लास यानी कक्षा, और एम ए टी एस मैट्स, मैट्स यानी साथी, कक्षा के साथी, कक्षा में साथ में पढ़ने वाले, उनको कहेंगे हिंदी में उनके लिए सही शब्द जो है वो है सहपाठी, सहपाठी। फिर है शब्द आपके सामने सेकंड फॉर्म है अमेज, अमेज, अमेज लिखा है सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है वो अमेज होती है, चकित, आश्चर्य चकित, ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म हो गया अमेज, ठीक है। फिर आपके सामने शब्द है प्रेज, प्रेज का पी आर ए आई जेड ई, प्रेज का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा, ठीक है। फिर है वंडर से वंडर्ड बना है वंडर्ड, डब्ल्यू ओ एन डी आर ई डी, वंडर से वंडर्ड है यहाँ पर, वंडर का एक तो मतलब होता है वंडर यानी आश्चर्य होता है, लेकिन यहाँ पर वंडर का मतलब है सोचा, ठीक है, सोचना। और उसके बाद में आपके सामने शब्द है हैपन्ड, हैपन से बना है एच ए डबल ई डबल पी ई एन, हैपन का मतलब होना और हैपन्ड यानी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्पेलिंग थी, और कुछ स्पेलिंग और हो सकती है, 10-12 स्पेलिंग में और चाहता हूँ कि मैं लिखवा दूँ, उसके बाद आपका पाठ समाप्त हो जाएगा, तो 10-12 स्पेलिंग और लिखो इसमें। हाँ, तो ये कुछ शब्द और है जिसमें, पहला शब्द है मॉडल, एम ओ डी ई एल, मॉडल, मॉडल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। दूसरा शब्द है किड, के आई डी, किड का मतलब होता है बच्चा। फिर है क्लीन, क्लीन लिखा है क्लीन से क्लीन बना है सी एल ई ए एन, क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, साफ स्वच्छ, उससे बना है क्लीन, सी एल ए एन ई डी, क्लीन यानी साफ किया, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, स्वच्छ करना, साफ करना, और क्लीन यानी साफ किया, सेकंड फॉर्म वर्ब की। उसके बाद चीयरफुल, सी एच डबल ई आर एफ यू एल, चीयरफुल आनंददायक, आनंद देने वाला, खुश करने वाला। फिर है रूड, आर यू डी ई, रूड का मतलब होता है खराब। उसके बाद में आपके सामने शब्द है डेवलप्ड, डी ई वी ई एल ओ पी ई डी, डेवलप्ड, डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, ठीक है, विकसित, डेवलप से डेवलप्ड बना है डी ई वी ई एल ओ पी, ये तो इसका फर्स्ट फॉर्म है, विकसित, डेवलप यानी विकास होता है, नाउन है ये, और वर्ब में डेवलप का मतलब होगा विकास करना, और डेवलप्ड यानी विकसित किया या विकास किया, ठीक है, सेकंड फॉर्म वर्ब की। उसके बाद आपके सामने शब्द है हॉल, डब्ल्यू एच ओ एल ई, हॉल, हॉल का मतलब होता है संपूर्ण। फिर उसके बाद में आपके सामने शब्द है एटीट्यूड, ए डबल टी आई टी यू डी ई, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। उसके बाद में, उसके बाद में जो शब्द है आपके सामने वो है स्टिल, एच टी आई डबल एल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। फिर शब्द है आपके सामने शेयर, एस एच ए आर ई, शेयर का मतलब होता है बांटना। और फिर शब्द है आपके सामने
सीक्रेट, SECRET सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। तो ये कुछ कठिन शब्द थे, मैंने आपके पहले लेसन में से लगभग जो है वो सभी कठिन शब्द डिफिकल्ट वर्ड्स जो है जो मुझे नज़र आए कि ये जो है वो आपको मालूम नहीं होंगे तो उनको बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई शब्द ऐसा दिखता है आपको जिसका आपको मालूम नहीं होता है, नहीं समझ पाते उसको, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, शब्द को लिख करके भेज सकते हो। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपको जो है उस शब्द का अर्थ जो है वो आपको बता दूंगा। और ये जो स्पेलिंग्स मैंने जो लिखवाए हैं 3 लेक्चर्स में, वो सभी शब्द इस लेसन के आपको बढ़िया तरीके से लर्न करने हैं और फिर आपको उस पार्ट का ट्रांसलेशन जब करवाया जाएगा तो उसको ध्यान देना है उसमें, जिससे कि इन शब्दों की सहायता से और जब ट्रांसलेशन करवाया जाए तब ध्यान रखते हुए आप आसानी से इस पाठ के विषय वस्तु को समझ पाओ और आगे प्रश्नों के उत्तर जो पीछे दिए हुए हैं उन प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सको, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जो है वो इनको याद कर रहे होंगे, पीछे वाले जो लेक्चर्स 2 हुए हैं जिनमें 2 मैंने स्पेलिंग्स बताई, वो मैं मानता हूँ कि आपने जो है वो याद कर ली होगी और नियमित रूप से कर रहे होंगे और आज वाला ये भी याद करेंगे। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन या फोन दे के ऐसा कोई बहाना ना करके, ये आपके भलाई के लिए आपके हित के लिए जो है वो ये चीज़ें हैं। आप ऑनलाइन उनको देख करके अच्छी तरह से उनको याद करोगे तो आगे एडवांस रहोगे और पाठ आपके तैयार हो जाएंगे, घर बैठे आसानी से आराम से उन पाठ को कर पाओगे व्यवस्थित, उनका अनुवाद भी करने में समर्थ हो पाओगे। और अपने स्कूल का जो चैनल बना हुआ है, मेरा मानना है कि सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा अपने यहाँ के विद्यार्थी उन्होंने तो, और लेकिन फिर भी अगर कोई राह है तो वो सब्सक्राइब करें। और प्रॉब्लम आ रही है किसी के पास फोन नहीं है, ऐसा भी समस्या है तो आप अपने फोन से उनको बता सकते हो, या किसी के पास फोन है लेकिन उनको मालूम नहीं है तो आप उनको बता करके जो है सब्सक्राइब करवा सकते हो। दूसरी स्कूलों के बच्चे जो आपके आस पास में रहते हैं, भले वो आपकी क्लास के हो या दूसरी क्लासों के भी हो, तो उनको भी अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें और बेल आइकन दबाने के लिए कहें, ताकि प्रत्येक क्लास का नर्सरी से लगा करके कॉलेज तक के जो है वो वीडियोज आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे। दो चैनल बने हुए हैं, एक गायत्री महाविद्यालय सांसोर है और एक गायत्री स्कूल सांसोर है। तो कॉलेज वाले बच्चे उनको गायत्री महाविद्यालय वाले उस चैनल को करें और स्कूल वाले गायत्री स्कूल सांसोर नामक चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और पढ़ाई अपनी जारी रखें नियमित रूप से और काम करके। ज़्यादातर बच्चे, काफ़ी बच्चे जो है वो मुझे बता रहे हैं, काम करके बता रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, राइटिंग भी उनकी अच्छी आ रही है। मैं चाहता हूँ कि लगभग सभी बच्चे जो है प्रत्येक क्लास के सभी बच्चे जहाँ तक संभव है वो करने का प्रयास करें, और किसी की परेशानी आ रही है क्या परेशानी आ रही है वो भी मुझे बताने का कष्ट करें। अगर फोन नहीं है और ऐसी समस्याएँ आ रही है तो वो भी मुझे बताएं, ताकि जो है उनका भी सोल्यूशन किया जा सके कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आज केवल इतना ही, और कल जो है मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट का जो है वो ट्रांसलेशन करवाया जाए। ट्रांसलेशन के लिए कल तक ट्रांसलेशन आप करवाएंगे तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आपकी स्पेलिंग तैयार है, ताकि परेशानी, मैं इस पार्ट को अच्छी तरह से प्रत्येक बच्चे के समझ में इस पार्ट की विषय वस्तु आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और ये तभी संभव होगा जब आपको स्पेलिंग्स और मीनिंग्स जो इस पार्ट की मैंने करवाई है वो याद होगी, तब जो है वो आप इस पार्ट को समझ पाओगे, नहीं तो समझने और सुनने और कान से निकाल देने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्पेलिंग्स को देखें, लॉन्ग टाइम स्पेलिंग्स ही आगे जो है वो आपके काम आने वाली है। आपने देखा होगा ज़्यादातर स्पेलिंग्स जो है शुरुआत से जो बच्चे याद करें उनको मालूम है कई स्पेलिंग ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है,
जो सुबह से याद कर रहे हैं उनको आदत है, तो उनको वो स्पेलिंग याद नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो पहले आई हुई है, उन्होंने की हुई है। लेकिन जब नहीं करते हैं याद, तो ये स्पेलिंग सभी स्पेलिंग आपको नहीं लगती है और आप उसको जो है वो सभी जो है वो आपको याद करनी पड़ती है। इसलिए एक आदत बनाए स्पेलिंग्स, प्रत्येक स्पेलिंग्स को याद करें ताकि आगे वाले पार्ट में आपकी स्पेलिंग जो है वो पहले वालों से दिनों दिन जो है वो कम होती जाए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज के इस लेसन को समाप्त करता हूँ। कल दूसरे लेसन जिसमें ट्रांसलेशन मैं करवाऊँगा के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।